भारत माता की थोड़ी गर्मी ज्यादा है लिखा सबका सोयाबीन भी घटी है, थोड़ा निकली भी कम रहा है और छाते में पत्थर रखे यहाँ भी तुम्हारा आणु पड़े आक्रोश में। अगर आप तुम झगड़ा पछेगा चुपी होगा तो होगा बात करना मत छोड़ा दो। ये हेलो कोई बात नहीं, जरा भाव यहाँ तो हाथ जपूंगा माइक घर को। ये किसान ना का अलियों का कांदा का लहसुन का कट्टा ना वो विधानसभा में लिंग दे भाई मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा पड़ा। अच्छा ही अच्छा का मत बता दो आगे वाला पूछी बोलते भाई बात इतनी है कि एक असो नेता जो जन सेवा का अपना धर्म समझे, जो भातुरी से सार्वजनिक जीवन में सही और गलत को निर्णय ले। अच्छा बैठियो बना बना बैठियो सब बच्चों लाकर बैठो और यहां नहीं बैठा है तो भारी कुर्सी बैठियो बढ़ो। एक असो जन सेवा जिन्हें पिछला 50 साल एक विधानसभा का पूरा परिवार मानी एक में रहने वाला साथी का सुख दुख में पूरा जीवन समर्पित कर दियो और इतना साल का बाद भी जीवित था। और असो व्यक्ति जो कमलनाथ जी का एक बार कोई बात की नहीं तो कमलनाथ जी में ना निकल पाओ हुकम सिंह जी कराड़ा कैसा नेता है। ताली बजाओ भैया, हूँ भी तुम्हारे गुरु मानू तुम्हारा हिसाब से मगर राजनीति करनी बस ये पाव पड़ी ना आशीर्वाद मांगी रहे तुम्हारा जैसा जीवन मारो भी हो। हमारे बीच में एक का जब कोविड आये थो कोविड जिसमें लोग तप 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 मरी गया था मालूम है नहीं यार तुम भटखड़ा रहो कि नहीं लोग बैठो कि नहीं सीना तुम भी बैठिए यार बैठो बैठो मगर बात करना मैं अच्छा लागू ये मारी कुर्ते बैठो नहीं मां बैठो अच्छा लागू ताली बजन कर। जब कोविड आयो तो टीवी पर एक नयो यूथ कांग्रेस को साथी जगह जगह ऑक्सीजन लीली टीवी पर इजा था ना देशों की टूनी टेम पर ऑक्सीजन श्रीनिवास यूथ कांग्रेस का दिल्ली का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज सहयोग से हमारा बीच में है। जरा श्रीनिवास जी खड़े हो ऑक्सीजन मैन नरेंद्र मोदी भी घबरे क्यों कही कि ऑक्सीजन सरकार का नहीं मिलेगा ये का असल ही नहीं है तो इनका लिए जरा जोरदार ताली ना बजाओ। जिन्हें भी हमारा पहला भाषण दियो कांतिलाल भूरिया जी का सुपुत्र डॉक्टर बहुत पढ़े लिखे और बहुत अच्छा जनसेवक विक्रांत भूरिया मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा उनका लिए जोरदार ताली बजाओ। विपिन भैया हमारा दोस्त है भाई है साथी है आगे का विधायक है अभी हमारा वहां भी बोलेगा ये बोल लू पड़ा उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दो। मंच पर विराजित सभी हमारा ब्लॉक का अध्यक्ष मंडल का अध्यक्ष जिला का अध्यक्ष सब जनप्रतिनिधि सरपंच ना और तम सब इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा काम का टेम पाया भैया अपना अपना लिए भी ताली बजो यार। एक बार बात इतनी है कि यार जन आक्रोश ने काम का टेम पर क्यों निकालना पड़े और बात इतनी है कि जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी क्यों निकाली है और आज को दिन जो गणेश विसर्जन को गयो ईद थी और 10 तरह का और भी त्योहार को टेम है उपमा भी कांग्रेस पार्टी सड़क पर क्यों है इन्हीं भावना का हम सबको समझनी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि सब परिवार के लोगों को इस बात का एहसास होगा कि जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश में किस बात के लिए, इस बात के लिए कि 1 करोड़ नया बच्चा बेरोजगार घूम रहा है, इन्हीं बात के लिए कि किसान हर किसान लगभग 1,20,000 रुपया का कर्ज में ही जो है, इन्हीं बात के लिए कि 4 लाख करोड़ रुपया मध्य प्रदेश पर कर्ज ही जो है, कि इन्हीं बात के लिए जन आशीर्वाद बीजेपी निकाली रही है कि हमारा प्रदेश में यहाँ टोटल वोटर कितना है कराड़ा जी टोटल वोटर 2,40,000
अपना मध्य प्रदेश में पिछला तीन साल में 2,30,000 बेनमाज गायब की क्या है बताओ जी, निकालिए जरा आशीर्वाद शिवराज जी निकालिए। शिवराज जी तीन बार चुनिन मुख्यमंत्री बने, चुनिन जनता ने वोट दिया, हमने अपनी बात की, बीजेपी ने अपनी बात की, उनने विश्वास बीजेपी में करो और सरकार बनी, उनको सम्मान सब करना चाहिए। राजनीति में जो जीता वो सिकंदर। इन्हीं बार शिवराज जी लुटी सरकार में मुख्यमंत्री बने, जितने भी बने, सरकार तो कांग्रेस की थी, वोट भी कांग्रेस को दो, मुख्यमंत्री भी कमलनाथ था, पर लूटी लिया। पर लूट की छूट ज्यादा दिन नहीं रही, चली गई ट्रेन, फिर जनता का हाथ में ताकत। तो शिवराज जी का जन आशीर्वाद किन्हीं बात को देना चाहिए। जब अमित शाह जी से पूछो जबलपुर में कि आपका चुनाव का चेहरा कौन होगा, शिवराज जी और कोई, तो उन्होंने कहा समय पे बताएंगे। फिर जेपी नड्डा जी से पूछो, आवाज ही नहीं गई, अच्छा लाइट बंद होने 5-10 मिनट से आई नहीं है, चार चार डिप्टी ना भी खराब है, सही है नहीं आई, जनरेटर चालू कि मारो खुद को माइक लाऊं, हेलो हाँ चल रहा है क्या, ऐसे ही काम चला ले। बात इतनी है कि शिवराज जी ने जिना तरीका से शासन चलाया, उपमत किसान विरोधी नरेंद्र मोदी और किसान विरोधी शिवराज सिंह चौहान। आप देखो कि नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्हें कहीं करिए किसान ना करिए, उन्हें तीन ताला कानून लेना है, जिसमें एक साल तक किसान ना रोड पर बैठता रहा और उसका बाद एक साल बाद बचा, जब तक 700 किसान नाने जान दी थी तब तक भी पीछे नहीं छोड़े, अंतो गतवा जब मालूम पड़ेगी किसान पचन जब तक हो तब वो पचा क्या। एक कानून जो राहुल गांधी ली रहा था भूमि अधिग्रहण अधिनियम को, जो शहरी क्षेत्र की आबादी है योजना नामे या सड़क में किसान की जमीन जाए उसे 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए, उन कानून का हटाड़ा के लिए 8 बार संसद में कोशिश करी नरेंद्र मोदी ने। जब थोड़ो सो अभी प्याज को भाव थोड़ो बढ़ी गयो तो सरकार ने 40% ड्यूटी लगे दी विदेश जाना पर, सही है गलत है, अगर थोड़ो लसन फेंकना पड़ा तो सरकार का नहीं दिखा, टमाटर फेंकना पड़ा सरकार का नहीं दिखा, पर जैसा थोड़ा भाव बढ़ा तो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी, जो नरेंद्र मोदी जी को कानून है। अब शिवराज सिंह चौहान अभी पिछला 20 साल से एक बात की रहे, किसान की आय दोगुनी करनी, किसान की आय दोगुनी करनी, मैं किसान पुत्र हूं, किसान मेरा भगवान है, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा अगर मैं किसान के लिए कुछ कर गुजरू, और मैं हल चलाता हूं, मैं बखर चलाता हूं, मैं बेल जोड़ी से ऐसा करता हूं, मुझे पता है कि औरतें कैसे हैं, मुझे पता है डहुए कैसे चलाते हैं, ऐसे ऐसे लक्षदार भाषण क्या अद्भुत, पर उनका मालूम नहीं है कि मका भी मेयर मालूम है, मगे भी स्टार्टर लगाने वाले में जब लेन नहीं आवे 10-10 घंटा वहां कहना भटकू पड़े, ट्यूबवेल देना भटकू पड़े, कितनी यातना है वहां भी मालूम है, रात रात घर पानी फेरना पड़े, घर में एक लोग छोरो वहां सोलन बहु यहां सो ये वहां यातना भी मगे मालूम है। मगे मालूम है बात कि जब यूरिया टाइम पर नहीं मिला या DAP टाइम पर नहीं मिला और पानी को टाइम ही आए तो कितना दिल दुखा है, यह भी मालूम है, पर शिवराज जी का मालूम नहीं है। शिवराज जी ने क्यों क्यों डबल इनकम करूंगा, उन्होंने डबल इनकम नहीं करी, उन्होंने लागत डबल कर, जो खाद 300 रुपया को दो 1300 रुपया को, यूरिया 1000 रुपया को हो कि नहीं, जो DAP 500 रुपया को दो 1500 रुपया को हो कि नहीं, जो बिजली का बिल 1000 रुपया कनेक्शन 2000 रुपया 2500 रुपया था 8000-10000 में लड़ू पड़े कि नहीं लड़ू, जो डीजल 60 रुपया को दो 100 रुपया को हो कि नहीं, लागत डबल और इनकम आ रही जो है शिवराज जी का शासन। इनने कहा कि मैं किसान की इनकम दूसरी डबल करूंगा, तो बहुत साल तक हम इनसे लड़ते रहे, पर पिछली विधानसभा में मैंने एक आग्रह किया शिवराज सिंह से, कराड़ा जी बैठे थे या विपिन भैया भी बैठे थे सामने बैठे थे शिवराज जी, कि शिवराज जी आपने पिछले 15 साल में खूब कोशिश की कि डबल इनकम करो पर आपसे नहीं हुई, अब हम एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पेश करते हैं और सब मिलकर आपको किसान दुआ देगा, हम सब एक न राजनीति कांग्रेस न बीजेपी न पक्ष न विपक्ष, हम क्यों न 3000 रुपए कुंटल मक्का को ज्वार को गेहूं को बाजरा को धान को भाव करता, तो
इसमें कोई राजनीतिक फूट नहीं है, एक साथ मिलन करना कांग्रेस बीजेपी नहीं है। मैंने गलत तो नहीं करे? अरे गलत तो नहीं करे, पर शिवराज जी को यह बात अच्छी नहीं लगी, उनने मत विधानसभा से बाहर कर दो, आए तो अखबार नाम पढ़े थे तुमने, इनका किसान की बात करूंगा तो मंदसौर में छे छे किसान ना कर गोली से उड़े देगा, किसान की बात करूंगा तो विधानसभा से तुम्हारे बाहर कर देगा। अरे जब तुमने 15 साल से कह रहे हो कि मैं किसान की इनकम दुगनी करूंगा, नहीं हुई तो फिर हम आपको नए सिरे से प्रस्ताव दे रहे हैं कि किसान के अनाज का भाव डबल कर दो, 3000 कर दो, क्योंकि 3200 रुपया तक निवार गेहूं बिक चुके हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी मानती नहीं, 3000 रुपया क्विंटल किसान का गेहूं को भाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोली बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो गर्मी ज्यादा है मालूम है, मालूम और टेम भी दोपहरी को चाहिए या भी मालूम है, पर महाराज से धीरे बोला है, कम धीरे बोलेगा तो हम घबरा ही जाऊंगा। दो साथ दो एक बात, बात इतनी है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने हरित क्रांति लेके इंद्राजी आई, श्वेत क्रांति लेके इंद्राजी आई, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, 21वीं सदी का सपना राजीव गांधी जी ने देखा, राहुल गांधी जी भूमि अधिग्रहण अधिनियम लेके आए, 72 हजार करोड़ रुपए का ऋण बिना कहे केंद्र की सरकार ने मनमोहन सिंह जी के नाम माफ किया, अभी 27 लाख किसान का 11 हजार करोड़ रुपया कमलनाथ जी ने माफ किया, 5 हॉर्स पावर के बिजली के कनेक्शन पहले भी फ्री थे, फिर फ्री करेंगे, यह कांग्रेस पार्टी का निर्णय है। फिर हमारी जो ऋण माफी की योजना फिर लागू करेंगे, यह हमारी भावना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि किसान विरोधी नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जो है, और किसान स्टेसिंग कांग्रेस पार्टी का बनना, बस इतना ध्यान रखना है आप सबको। मैं अनुरोध इतना ही करना चाहता हूं कि यह डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन कब लगा? जब पेलो फेल ही है, सही है गलत है? अरे पेलो इंजन जब सही चल रहा है तो डबल की जरूरत नहीं है, तो पेलो फेल ही है तो डबल लगाओ, अब डबल भी लगाओ तो फेल ही, अब इनका दूसरा नया इंजन चाहो कि नहीं चाहो? अरे चावल की नहीं चावल? तो कमलनाथ को इंजन बहुत पुराना और बहुत मजबूत और बहुत अनुभवी है, याद रखो, जो अनुपमा डब्बा कराड़ा जी भी है, मेन डब्बा वो भी है, सब बैठा जाओ और तम सब उपमा बैठी जाओ, और जो विकास की रफ्तार से रेल चलेगी कि तम देखता रह जाओगा, ब्लड प्रूफ कौन सी ब्लड प्रूफ बुलेट ट्रेन की रफ्तार से विकास चलेगा, याद रखो जो तुम्हारी बात, बस इतना अनुरोध है, ज्यादा ही है, पर एक बात 3000 रुपया क्विंटल गेहूं की खरीदी की, बीजेपी वाला पूछा मार सर कि यार तुम्हारी राजस्थान में सरकार है, तुम्हारी छत्तीसगढ़ में सरकार है, वहां तो 3000 करो नहीं, और यहाँ तुम चिल्ले जाओ रोज मारे कही, फिर कही कि यार तुम अकेला चिल्ले जाओ, बाकी कांग्रेस तो बोली नहीं रही है, फिर कही कि कहीं कांग्रेस की सरकार आओगी 3000 करोड़ की, सवाल तो सही है, राजस्थान को छत्तीसगढ़ को विधायक नहीं हूँ, मध्य प्रदेश को यहाँ की बात करी है, जिन दिन सांसद बनी हूँ वहां की भी कहूँ, दूसरी जब हम जोर जोर से चिल्ले किया है, आज हमारा मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश का मुख्यमंत्री है, भले ही रूट की सरकार का, पर उनसे हमारा हक है कि हम किसान ना की बात करना मांगा, उनका अगर अधिकार है सत्ता है, जिंदन आचार संहिता लगी जाएगी, उन्होंने हम बताएगा कि कमलनाथ जी कहीं करेगा, कांग्रेस कहीं करेगी, और नहीं करेगी तो कराड़ा जी सबसे पहला 3000 रुपया क्विंटल गेहूं कराओगा, मानेगा नहीं, पूछे लो बोलिंग बताओ, ये सीनियर आदमी बोल ही नहीं सकता है, पर हूं तो तुम्हारो भैया सब कर ही सकता है, बात तक कोई नहीं बात की, 3000 रुपया क्विंटल गेहूं का भाव चावे तो बताए दो गाँव गाँव बीजेपी का कार्यकर्ता जो किसान है उनका भी, अरे यो पंजोल लाओ ध्यान रखी, और 50,000 अभी सोयाबीन कांग्रेस की सरकार थी जब 6,000, अब कोई भाव बिक रही है 2500-2000, तो नरेंद्र मोदी तो आया था नया तरह को देश लाएगा, किसान की समृद्धि, अब की बार मोदी सरकार किसान का होगा, कई हो बताओ आप, हम नारे भूल गए उनके, उत्तर चले थे कि बता नहीं सकते, पर एक बात गंभीरता से आया आखिरी कि इन्हीं बार दृढ़ता से लहर चली गई,
लहर जो जाए वहां अद्भुत आक्रोशन हो गया। यहाँ कर्मचारी पीड़ित है, अतिथि विद्वान पीड़ित है, वेतन भोगी पीड़ित है, जो पटवारी पीड़ित है, विद्युत मंडल का ये परिवार का लोग पीड़ित है, युवा बेरोजगार है, मिडिल क्लास महंगाई की मार से परेशान है, किसान महंगाई से परेशान है, इनकम कमी की, हर वर्ग परेशान है। बस इतनी बात करो, इतनी बात समझो कि इन बार स्पष्ट 150 से 155 सीट आवा है और शाहजहांपुर सुजानपुर की सगड़ी सीट कांग्रेस का है। और कल राहुल गांधी सगड़ी बात करने के लिए कोला एरिया है, कितना जरा चलो मैं हाथ ऊंचा करूं। राहुल गांधी जी कल कोला एरिया है, पहली सभा है अपना शाहजहांपुर सुजानपुर को, तो सौभाग्य भी है अपना लिए, भाग्य की बात है। और राहुल गांधी जी आइए अपना लिए अच्छो दायित्व भी है कि हम सब मिली पहली सभा में सरकार बदलने का आक्रोश को शंखनाद करें। तो तुम सब कला हुआ कि हाथ उच्चो करें फिर बताओ। हमें आदरणीय श्रीनिवास जी जरा चोर ताड़ी ना बजाओ, जोरदार आमंत्रित करता हूं कि वो बात करें। चलो विपिन भैया हमारे भाई है, विपिन उनसे अनुरोध है, वो अपनी बात करें।